नमस्ते प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड क्या चीज़ है। देखो, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड्स, जो प्रोडक्शन के साथ साथ बदलता रहता है, और दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड। इसका मतलब होता है जो प्रोडक्शन के साथ साथ बदलता नहीं है। सपोज हमने कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, हमने पेन बनाए, तो हमने मान लो कि 1000 पेन बनाए, तो उसकी प्रोडक्शन के बाद जो सेल होगी, तो सेल्समैन को हमने सैलरी दी है पर मंथ के बेस पे, डेली बेस पे और आवर्स बेस पे है। तो हमने उसकी फिक्स रख दी, भैया आपको 5000 मिलेंगे। तो ये जो 5000 है, ये फिक्स्ड ओवरहेड है। यानी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्शन डिक्रीज हो इस पेन की, तो जो सेल्समैन को सैलरी मिलेगी वो फिक्स्ड है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने पेन बनाया था तो इसकी जो टोटल कॉस्ट थी, उसमें नंबर एक पे जो ये मटेरियल है, इसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, तो इसकी कॉस्ट, इसको बनाने वाले की डायरेक्ट लेबर, इसके अलावा कुछ खर्चे जिसमें वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड ओवरहेड लगे, तो यह पेन की कॉस्ट बनी। मान लो मैंने यह पेन 30 रुपए का लिया है, तो ये सभी खर्चे इसमें सम्मिलित हैं, उसका एक हिसाब फिक्स्ड ओवरहेड इसमें है। तो अगर यह खर्चा मैं ज्यादा लगाऊंगा तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, इसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इसकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो जो अच्छे एक्सपर्ट हैं, जो कॉस्ट काउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना वेरिएंस है, क्या यह वेरिएबल है, जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ताकि हम इस पेन की कॉस्ट या जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसकी कॉस्ट कम से कम कर सकें। तो आओ हम सीखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस क्या है। मान लो एक मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लिखता हूं यहां, कि हमारी जो स्टैंडर्ड है, आइटम्स हैं और यहाँ एक्चुअल आइटम्स, मान लो जो ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, नंबर एक पे ओवरहेड वो है 100 रुपया, ठीक है। यानी पेन और एक्चुअल में हमने दी, जो स्टैंडर्ड होता है, हमने एक एस्टिमेट किया, एक बजट बनाया, उसमें हम कहा कि हम 100 रुपया देंगे, पर वास्तव में हमने दिए 200 रुपया। दूसरी बात कि जो प्रोडक्शन हुई है, जिसे आउटपुट कहते हैं, हमने एस्टीमेट किया कि हम 200 यूनिट बनाएंगे पेन के, वो वास्तव में बने हैं 300 यूनिट, ठीक। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो देखो, अगर हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड हो और आउटपुट दिया हो, तो हम एक रेट निकाल सकते हैं। देखो, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड ओवरहेड पर यूनिट, इसका मतलब है कि जितने स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हैं उसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड आउटपुट से, 100 भाग 200, तो हमारे पास 50 पैसे पर यूनिट रेट आ जाता है। जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करते जाएंगे, उसका एक स्टैंडर्ड रेट बन गया कि भैया उतने उसका आधा हमारा खर्चा होगा फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक। तो हमने ये रेट कैलकुलेट कर दिया। अब एक सिंपल सा फार्मूला लगाना है, यानी टोटल ओवरहेड
टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल टू आपका जो स्टैंडर्ड रेट है किसका, ओवरहेड पर यूनिट का, उसको गुना कर लो एक्चुअल प्रोडक्शन से, एक्चुअल आउटपुट से माइनस कर दो आप इसमें एक्चुअल ओवरहेड। देखो स्टैंडर्ड रेट है मैंने 50 पैसे पर यूनिट मेरा ओवरहेड का खर्चा है 50 पैसे, और कितनी प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन हुई है एक्चुअल 300 यूनिट, तो माइनस किया जो खर्चा है फिक्स्ड ओवरहेड जो वास्तव में आया 200 रुपए, 300 गुना 50 पैसे 150 माइनस 200, ये माइनस में आ गया आपका 50। ये अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल फेवरेबल ठीक है, या इसको कह सकते हैं एडवर्स ठीक। तो ये 50 है माइनस में, अब इसको हम एनालाइज करते हैं कि वास्तव में जो खर्चा होना था वो ज्यादा हुआ है और जो हमने एस्टिमेट किया था वो कम है। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, यदि ये जो एक्चुअल आउटपुट है जो 300 यूनिट है उसकी प्रोडक्शन हम ज्यादा निकालते उसी समय में, मान लो ये 600 होता तो 600 गुना गुना 50 पैसे 300 माइनस 200, तो 100 हमारे ये जो है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फेवरेबल होता कि हमने 100 रुपये बचा ली जो स्टैंडर्ड रेट से थे, स्टैंडर्ड रेट से थे मीन स्टैंडर्ड जो एक्सपेंसेस थे वो ज्यादा है एक्चुअल कम है ठीक। तो इसका तो एक रीजन ये हो गया ठीक, इससे क्या पैदा होगा वॉल्यूम वेरिएंस। अब एक बात और भी आती है कि जो ये जो 200 है एक्चुअल ओवरहेड ये हम कम कर सकते थे, अगर हम बाजार में जाते और सेल्समैन को ढूंढते जो कम से कम सैलरी लेता उसको रखते, तो ये तो श्योर है कि जो ओवरहेड ओवरहेड्स हैं 200 200 से कम आते, अगर 200 से कम आते यानी यहाँ 150 होता यहाँ 100 होता 200 की जगह पे, तो क्या होता कि 50 रुपये फेवरेबल होते, हमने 50 रुपये बचाए हैं, तो इससे क्या पैदा होगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएंस। चलो हम अब सबसे पहले वॉल्यूम वेरिएंस को निकालना सीखते हैं, वॉल्यूम ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। देखो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा है तो हम फेवरेबल हैं, हमने कहा हमने हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से जो हमने एस्टिमेट किया उससे ज्यादा हो तो हम कहेंगे बहुत अच्छा काम किया है। तो देखो एक्चुअल प्रोडक्शन यहां लिख देते हैं प्रोडक्शन ठीक है, उसमें से माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ठीक है, और इसको गुना कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट से ठीक है। तो देखो क्या निकलता है हमारे पास, स्टैंडर्ड रेट तो हमें पता ही है 50 पैसे पर यूनिट, ये 50 पैसे हैं और इसको गुना किया एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 300 है, और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो 200 है, तो ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, 300 में से 200 गए, 100 100 को गुना करो 50 पैसे से यानी ये हमारा प्लस में आ जाता है 50 रुपये ठीक है। ये एक्सपेंडिचर ओवरहेड वेरिएंस की है, एक्सपेंडिचर ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस
एक्चुअल ओवरहेड। यहां तो हमने लिखा कि एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड रेट, पर यहां उल्टा क्यों कह दिया, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो उसका रीजन यही है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा होगा तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। यदि स्टैंडर्ड ओवरहेड यानी स्टैंडर्ड खर्चा एक्सपेंसेस अगर हमारे एक्चुअल खर्चे से ज्यादा है तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो प्लस पॉइंट को लेके चलते हैं हम। तो यहां देखो 100 रुपया तो हमने खर्च किया, जो फिक्स्ड ओवरहेड किया है वो हमारा स्टैंडर्ड हमने एस्टीमेट किया है, और एक्चुअल में हो गए 200। 100 माइनस 200 तो ये माइनस में आ गया 100। अब जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है वो इसका सम है, वॉल्यूम वेरिएंस का प्लस एक्सपेंडिचर वेरिएंस का। अब देखो ये है एडवर्स, ठीक है जी। तो वॉल्यूम है प्लस में, ये प्लस में है 50 और ये है माइनस में 100। तो माइनस में 100 आ गया, सॉरी 50 आ गया, एडवर्स है 50। तो जो हमने पहले कैलकुलेट किया था टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस वो भी हमारा 50 निकलता है, जो हमारी वेरिफिकेशन से बिल्कुल इक्वल है।